इस कोरोना काल में हर व्यक्ति आर्थिक तंगी और आर्थिक पीड़ा से जूझ रहा है। ऐसे में जहां बच्चों की स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो वहीं स्कूल प्रबंधक बच्चों पर पूरे वर्ष की फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं इस भयानक समय में पालकगण अपने बच्चों की फीस देने में भी असमर्थ है, जिसको लेकर जिला महिला कांग्रेस के बैनर तले नीमच जिले के सभी पेरेंट्स शुक्रवार को जिला कलेक्टर परिसर पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के प्राइवेट स्कूल के सभी बच्चों की फीस माफ की जाए। नीमच से दिव्या अटवाल की रिपोर्ट।